आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। वक्त हो चला है यूपी की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों से मिलने अपना दल कमेरावादी के विधायक पल्लवी पटेल इको गार्डन पहुंची, जहां पहुंचकर उन्होंने मौजूदा सरकार पर कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में जितनी भी भर्तियां चल रही है उसमें कई तरीके की विसंगतियां हैं, हम इन युवाओं के साथ खड़े हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई भी लड़ेंगे। मोहन रोड अब कूड़े का पहाड़ बन चुका है, वह दूसरी ओर आईआईएम रोड पर भी कूड़े का पहाड़ देखने को मिल रहा है जो अभी भी खत्म नहीं हुआ। इन दो स्थानों को लेकर नगर निगम अपनी फजीहत करा ही रहा था कि अब एक और स्थान नए कूड़ा स्थल के रूप में जाना जा रहा है। पूरा मामला चिन्हट इलाके के हरदासी खेड़ा का है, जहाँ पर कूड़े का एक ऐसा अंबार लगा हुआ है। इस कूड़े के अंबार से आसपास के रहने वाले लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कूड़ा हरदासी खेड़ा में काफ़ी दिनों से डंप हो रहा है, ये करीब करीब 3-4 महीने से डंप हो रहा है। यहाँ पे बैठना और खड़े होना बड़ा मुश्किल हो गया, इतना बदबू आती है और कई बार आग लग चुकी है और उसमें धुआं फैलता है, जिससे यहाँ पे डेंगू वगैरह बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं। और हम लोगों ने कई बार इसकी शिकायत की गई है लेकिन कोई इसका समाधान आज तक नहीं मिल पाया है। हुआ है लगभग, मुझे लग रहा है 15-20-25 दिन से यहाँ कूड़ा जो है नगर निगम की गाड़ी आती थी और डाल के चली जाती थी और इस पर लोग आग लगा देते थे। आग लगाने से जो है यहाँ के जो निवासी हैं सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बहुत सारी दिक्कतें हुई, कई बार कंप्लेन किया गया, लोग आते थे पानी डाल के चले जाते थे लेकिन निवारण नहीं हो रहा था। तो परसों नरसों हम लोग कंप्लेन किए थे, अब यहाँ से जो है कूड़ा धीरे धीरे उठ रहा है। तो कूड़े के डंप के अलावा यहाँ पे उसमें आग भी मतलब लगती है, जिससे हवा भी बहुत दूषित हो जा रही है। यहाँ के लोगों का निकलना दुभर हो गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सांस की दिक्कत हो गई है और यहाँ पे जो हवाएं हैं बहुत जहरीली हो गई हैं, दिल्ली से भी ज़्यादा, हमारे हिसाब से दिल्ली से भी ज़्यादा जहरीली हवा हो गई है। नगर निगम कहता है कि वो कूड़ा यहाँ पर नहीं गिरा रहा है, उसके लिए डंप बना हुआ है जहाँ पर नगर निगम कूड़ा ले आती है, लेकिन यहाँ पर जो आप लोग का कहना है कि गाड़ियाँ आती नगर निगम की वो भी कूड़ा गिराती है। यहाँ पे जो भी मतलब सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी अगर पूछा जाए तो यहाँ पे जो कूड़ा आ रहा है वो वही गिरा रहा नगर निगम। उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ तो स्वच्छता अभियान को लेकर के एक मुहिम छेड़े हुए है तो दूसरी तरफ नगर निगम का नारा है ग्रीन सिटी क्लीन सिटी, लेकिन अगर बात की जाए ग्राउंड जीरो पर तो उसकी तस्वीरें कुछ अलग देखने को मिलती है। इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के चिन्हट इलाके के हरदासी खेड़ा गांव में मौजूद हैं, जहां पर कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है कूड़े के अंबार की। यहां पर नगर निगम रिहायशी इलाके के बीच कूड़ा डंप कर रहा है, जिसको लेकर यहां के लोगों को भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कूड़े के डंप से निकल रही दुर्गंध से यहाँ के लोग भी बीमार पड़ रहे हैं। जब इसमें आग लगती है तो लोगों को सांस लेने में भी काफ़ी समस्या होने लगती है। यहाँ स्थानीय लोगों की अगर माने तो स्थानीय लोगों का साफ तौर से कहना है कि इस मामले को लेकर के जब नगर निगम को शिकायत की गई तो नगर निगम की तरफ से इस समस्या का समाधान भी नहीं किया जा रहा। लेकिन तस्वीरों की अगर बात करेंगे तो तस्वीरों में आप साफ तौर से देखेंगे नगर निगम की गाड़ी भी खड़ी हुई है, इसके साथ कूड़े का डंप भी लगा है, कूड़े के डंप के बीच मवेशी अपना भोजन भी तलाश रहे हैं। लेकिन अगर इन सभी समस्याओं की बात की जाए तो समस्याओं को नज़रअंदाज करने से कहीं भी नगर निगम पीछे नहीं हटता है और अगर समस्याएं लेकर के कोई फरियाद पहुंचता है तो उसकी फरियाद को भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है, क्योंकि ये रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके के बीच में जिस तरीके से कूड़ा डंप हो रहा है तो इस कूड़े के डंप को लेकर के जाहिर सी बात है लोगों को समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से कूड़े का डंप किया जा रहा है, इस कूड़े के डंप को लेकर के स्थानीय लोगों का जो विरोध है, समस्याएँ हैं, शिकायतें हैं, उसका निवारण आखिर नगर निगम कब तक करेगा? क्या ये कूड़े का डंप यहाँ से हटेगा या फिर इसी दुर्गंध के बीच लोगों को अपना जीवन यापन करना पड़ेगा? वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ।
यूपी प्रदेश सरकार द्वारा की गई हलाल उत्पादों के बैन की कार्रवाई के बाद कानपुर में फूड विभाग भी लगातार हरकत में है। फूड विभाग के अधिकारियों द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। वही टीम ने कानपुर के बेकनगंज स्थित किराना मार्केट में छापेमारी की, जिसमें किराना दुकानों में बेचे जा रहे छोटे छोटे प्रोडक्ट की जांच की गई है। छापेमारी की कार्रवाई देखकर किराना मार्केट में हड़कंप मच गया। हालांकि मीडिया से बातचीत के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि शासन के आदेशों के क्रम में हलाल प्रोडक्ट पर रोक लगाए जाने के बाद केवल जांच ही की जा रही है। अरे भाई भाई, हलाल सर्टिफिकेशन जो है जिसको अधिसूचना जारी करके बैन कर दिया गया कि किसी भी खाद्य फूड प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम आए। लेकिन ये जो बाइट के लिए आप उनसे हमसे ऊपर कर दिए, ये तो बेकनगंज जो भी एरिया है रहे। नहीं, अभी तो उस लेवल पर ऐसा सर्टिफिकेशन हमको नहीं मिला है, और भी टीमें काम कर रहे हैं। सारी समय की सूचना आपको जिले से मिल जाएगी। नहीं, वो तो भाई फूड प्रोडक्ट के लिए हमेशा जारी है, ये अभी आया तो आज समझ लो, नहीं तो जारी रहेगी। और अभी तक किसी कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जिस पे लिखा होगा? नहीं, अभी तो नहीं मिला है। संगम नगरी प्रयागराज में जनवरी में माघ मेले की शुरुआत होनी है, लेकिन माघ मेला से पहले ही संगम तट पर सात समंदर पार से आए हुए पक्षियों का मेला लगना शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि गंगा यमुना की लहरों पर अटखेलिया करने वाले साइबेरियन पक्षी से हर साल हजारों मील का सफर तय करते हुए ये प्रयागराज पहुंचते हैं, जहां पर पक्षियों को देखने और उन्हें दाना खिलाने के लिए लोगों की भीड़ जुटती है। वही लोगों का कहना है कि वो जाड़े के मौसम का इंतजार करते हैं, तब साइबेरियन पक्षी संगम पर आ जाते हैं तो वो संगम स्नान के साथ ही पक्षियों को दाना खिलाकर पुण्य भी अर्पित करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम में हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन गंगा यमुना में स्नान करने आते हैं। अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो संगम नगरी प्रयागराज में विदेशी मेहमान के नाम से मशहूर साइबेरियन पक्षी संगम तक की शोभा बढ़ाते हैं। ये तस्वीरें आपको नजर आएंगी, ये देखिए, ये प्रयागराज का संगम तट है और प्रयागराज के संगम तट पे किस तरीके से ये विदेशी मेहमान आते हैं और संगम तट पर आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब एक बार और मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं, ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही है कि क्यों संगम नगरी प्रयागराज को पूरे विश्व में धर्म और अध्यात्म के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि ये विदेशी मेहमान करीब 6000 किलोमीटर दूर से आते हैं तथा मार्च माह के पहले सप्ताह तक ये अपने घरों को वापस लौट जाते हैं। हमारे साथ एक नाविक है, हम इनसे बातचीत करेंगे। अब भाई साहब, आप यहाँ पर नाव चलाते हैं, किस तरीके से ये जो विदेशी मेहमान है साइबेरियन पक्षी किस तरीके से आते हैं? जैसे कि ठंड महीना चालू होता है वैसे ही है, ये लोग आना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही मार्च महीना आता है जो गर्मी पड़ने लगती है तभी ये लोग अपने आप वापस हो जाते हैं। तो इससे आप लोगों की आमदनी भी बढ़ती होगी, लोग आते हैं? हाँ, ये जैसे सुंदरता इसका आने से बढ़ जाता है, बहुत लोग आने की पसंद करते हैं कि यहाँ के चिड़िया को देखने के लिए आते हैं, और जैसे कि लोग चिड़िया के लिए दाना भी मिलता है, यहाँ खिलाते पिलाते हैं सभी लोग। तो इससे जो है तमाम जो बाहर यहाँ हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं, आप लोगों की आमदनी भी बड़ी होगी, क्योंकि अगर बीते दिनों की बात करें तो बाढ़ की वजह से नावें नहीं चल रही थी। जी हाँ, कि जैसे ये लोग आ जाते हैं उसे बाढ़ भी खत्म हो जाता है, जैसे बाढ़ चालू होता है ये लोग वापस हो जाते हैं, तो हम लोग की नावें जो होते हैं खड़ी हो जाती है, बंद हो जाता है, नहीं चलती। अब जैसे ही कहीं ये लोग आ जाती हैं ठंड के महीना में, उसे यात्री हो या कोई भी आदमी हो, सभी का आना पसंद करते हैं यहाँ प्रयागराज में। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज में जो देश के कोने कोने के श्रद्धालु हैं वो आकर्षित होते हैं, और ये जो संगम तट पे साइबेरियन पक्षी है ये लोगों को श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज।
अगली खबर आ रही है से है, जहां बुजुर्ग की मौत पर हंगामा देखने को मिला है। मृतक के परिजनों के मुताबिक गांव के ही एक दबंग ने उनको अपने पास 2 साल से रखा हुआ था और वो बुजुर्ग को उनसे मिलने भी नहीं देते थे। परिजनों का कहना है कि शेर सिंह नाम के दबंग व्यक्ति ने जबरन उन्हें अपने पास रखा था और उसकी जमीन भी अपने नाम करा ली थी। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस का इस पूरे मामले पर कहना है कि आगे जांच करने के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। के 2 साल मिलने भी नहीं देते थे, भगा देते थे बाहर। उससे पहले क्या आपने कभी पुलिस में शिकायत की? करी थी यार, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब क्या हुआ? गोरैया भी गए थे मैडम जी के पास, उन्होंने भी अड़क दिया हम लोगों को। अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं, अब उनकी डेथ रात में 8 बजे खत्म हुए, इन्होंने मुझको 10 बजे बताया, पता नहीं मार दिया क्या किया। क्या नाम है बाबा का? बाबा का नाम कृपाल सिंह ठाकुर। कृपाल सिंह, तो फिर कैसे आपको आज कैसे सूचना मिली? नहीं, हमको मिली थी 10 बजे सूचना। ये मतलब इन्होंने गेट गुट बंद कर रखा था, हमको एक तो सामने पंडित जी रहते हैं वो लोग बताने आए कि आपके बाबा कुछ हो गया। हम लोग गए, मंजी पे लेटे हुए थे और ये लोग खड़े थे, ये लोग कोई उठा नहीं रहे थे। मिड डे मील में खाना बना सब, उन्होंने बहुत परेशान। किसने? डॉक्टर साहब ने। तो आज क्या घटना हुई? आज उन्होंने अंदर जाके कुछ जहरीलो पदार्थ खवाओ। किसे? गले कृपाल सिंह को। वो कौन है आपके? हमारे जेठ हैं। आपके जेठ हैं? तो कौन डॉक्टर हैं, क्या नाम है? शेर सिंह। शेर सिंह, तो क्या इससे पहले भी कोई विवाद रहा उनसे? हाँ, उनको मैंने लिखा पड़ी भाई थी कि जगह जमीन की तो उन्हें बंद कर लो, तो कमरे तब से मकान से निकलने नहीं दिया। किसे? आपके जेठ को? हाँ, कृपाल सिंह को नहीं निकलने दिया। उन्हें 21 नवंबर 2023 को समय प्रातः 8:30 बजे प्रभारी निरीक्षक अरवा कटरा को जरिए दूरभाष सूचना मिली कि कृपाल सिंह पुत्र स्वर्गीय उजागर सिंह उम्र 73 वर्ष निवासी बरौना कला थाना अरवा कटरा जनपद औरैया की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक मौके पर पहुंच गए थे। शव का पंचायतनामा भरने के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। PM रिपोर्ट में जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं। अब खबर बहराइच से है, जहां बीते कुछ दिन पहले हुई गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने वाले एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि एक रिक्शा चालक लड़की को अपने साथ बैला फुसलाकर ले गया था और उसके साथ बलात्कार किया था और हालत बिगड़ने पर लड़की को जिला अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया था। वही अब इस मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक आरोपी अभी भी फरार है। 16 और 17 की रात में एक युवती जो कि 21-22 साल की युवती थी, जो कि लखनऊ से बहराइच बस अड्डे पर उतरी थी, उसको बका फुसला करके एक टेम्पो चालक और उसका साथी उसको अपने घर ले गया था। और जहां पे उसके साथी द्वारा जो सोनू पचासा सनापल्ली हुसैन नाम का व्यक्ति है, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाबत पीड़िता की माँ ने एक मुकदमा दर्ज कराया था। उस घटना का बहराइच पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें सोनू पचासा के साथी बबलू की गिरफ्तारी हुई है। अब रुख करते हैं अगली खबर का, जहां मऊ में शहर कोतवाली के पास 2 दुकानों में चोरी की वारदात के बाद बीजेपी के नगर महामंत्री की 4 दुकानों में आग लग गई है। जहां चोरी और आग लगने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि कोतवाली फायर विभाग और पुलिस चौकी के बगल में लाखों रुपए की हुई चोरी के साथ 4 दुकानों में भी आग लगी है, जिसके बाद बीजेपी के नगर महामंत्री ने दुकान में आग लगाने का आरोप लगाया। वहीं कपड़े के दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम TV।